IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज के हमारे अक्षर हैं ए और ए। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम एकता और ऐश्वर्या। कैसे हो बच्चों? नमस्ते नमस्ते। अरे वाह वाह, आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, भैया। लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे। नहीं, देखो देखो, ये कुशागर और ये निशांत, इनके नहीं, इनके हाथ में शायद कुछ है। ये कुछ नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, है इतने सुंदर फूल। अरे वाह वाह वाह, कितने सुंदर फूल है। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए? ऋचा के बाग के फूल हैं। वाह, ऋचा के बाग के हैं? हाँ भैया, ये मेरे बाग के फूल हैं। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो तुम, बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए? भैया, हम आपको उपहार देना चाहते अच्छा। थे। आप हमें एक कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो। अरे वाह, क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे। ये कौन है भैया? वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए ए ए ए ए। हाँ शाबाश, ए से एकता और ए से ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। तो एकता और ऐश्वर्या दो बहनें थीं, दोनों एक दिन एक बाग में घूमने के लिए गईं। ए से ए से ए ए से एड़ी ए से एड़ी। हाँ तो बच्चों, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जैसे तुम लेकर आए हो मेरे लिए, है कि एकता उन्हें एक टक देखती रह गई। ऐसे एकता ए से एकता एक टक और ए से एक टक। शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसने सोचा माली से पूछूं कि उन्होंने इतना सुंदर हर एक गुलाब और हर फूल खिलाया कैसे। हाँ तो बच्चों, फिर एकता और ऐश्वर्या माली को ढूंढने लगी। हाँ तो पता है, माली काका मिले ही नहीं। क्यों? बताता हूँ बच्चों, उन्होंने बहुत ढूंढा तो देखा कि माली काका बाग के कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत यानी शांत, खाली जगह। तो ए से एकांत, एकांत। शाबाश, ए से एकांत। तब बच्चों, ऐश्वर्या ने माली काका से पूछा, माली काका, आपने इतने सुंदर फूल और वो भी इतने बड़े बड़े उगाए कैसे? तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए और बोले, दूर हटो यहाँ से। माली एकदम से गुस्सा क्यों हो गए? अरे बताता हूँ ऋचा, लेकिन पहले बताओ ए से एकदम। ए से एकदम। एकदम, शाबाश। तो गुस्से में ऐट गए माली काका। ए से सही कहा तुमने, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसा। बिल्कुल सही, शाबाश। तो बच्चों, एकता और ऐश्वर्या की बात सुनकर माली काका बोले, अरे ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं, मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं,
मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ। ये तो बहुत बुरी बात है भैया। हाँ, बहुत बुरी बात है। मालिक आता तो दुखी होते होंगे। बिल्कुल होते थे बच्चों। उनको भी इतनी मेहनत करनी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी भी फूल नहीं तोड़ता। फूल नहीं तोड़ता, फूल फूल। शाबाश। तो बच्चों तब एकता ने पता क्या किया? बताता हूँ। जल्दी। हाँ जल्दी बताता हूँ। तब बच्चों एकता ने एक पेड़ की डाल पर ये लिखकर टांग दिया। क्या भैया? यही कि यहाँ फूल तोड़ना एकदम मना है। और ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान कर दिया। क्या भैया? उसने ये ऐलान किया कि जो भी फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना होगा, और जिसे बाग देखने आना है उसे टिकट भी लेना होगा। अरे वाह, टिकट लगा दिया। हाँ, टिकट लगा दिया। की तो कमाई हो गई। बिल्कुल कमाई हो गई, शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ, ऐसे ऐश्वर्या, ऐनक, ऐसा और ऐसे ऐलान, ऐसे ऐलान। हाँ, ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला? अब लोग टिकट लेने लगे। बिल्कुल सही, माली काका को भी कमाई हो गई। बिल्कुल कमाई भी हो गई। अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा। अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा, शाबाश। अब वो खुश रहते हैं। अब वो खुश रहते हैं और बहुत सारे फूल खिलेंगे। बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे और हाँ, फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और ना ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ, साथ साथ माली काका धन भी कमाने लग गए थे। खुश हो गए। उनके यहाँ चिड़ियाँ भी आने लग गई। चिड़ियाँ आने लग गई, टूरिस्ट आने लग गए। और उनकी फोटो बाहर छप गई। अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक। एक लड़की एकता ऐसे ऐश्वर्या के साथ। हाँ, ऐसे एक लड़की एकता ऐसे ऐश्वर्या के साथ। गई घूमने एक बाग में जहाँ खिले थे ढेर गुलाब। और ऐसे होता है ऐश्वर्या, ऐसे एक टक और ऐसे होता है ऐसा। एक कोने में एकांत में बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ऐसे एकांत और ऐसे ऐश्वर्या और ऐठा। ऐसे एकांत, ऐसे ऐश्वर्या ऐठा। एकता और ऐश्वर्या ने पूछा, काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला, लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे। ऐसे एकता एक, ऐसे ऐश्वर्या ऐसे। एकता ने एक डाल पर लिख कर लटका दिया। ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान किया।
आना है तो टिकट एक लेना होगा। हाँ ऐसा करना होगा, हाँ ऐसा करना होगा। ऐसे होता एक एकता, ऐसे ऐश्वर्या ऐलान। एकता ऐश्वर्या ने मिलकर खूब किया ये अच्छा काम। माली काका की मेहनत को अब तो मिलने लगा इनाम। एकता ऐश्वर्या, एकता ऐश्वर्या, एकता ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, अभय, दक्ष, कुशाग्र, महमूद और अतुल। संगीतकार हरभजन सिंह। गायन स्वर मंजीत सिंह और कनिष्का नेगी। बाल गायक आभा, मेघा, दिलकश, रक्षित थपलियाल, हरप्रीत कौर और अनुश्री। ध्वनियांकन बटी लैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम। आलेख, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।